सभी दवाइयों का बाप है ये काढ़ा। ये काढ़ा करेगा हार्ट ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, मोटापा, अस्थमा, कब्ज और एसिडिटी जैसी बीमारियों का जड़ से सफाया। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे काढ़े को बनाकर दिखाएंगे जो आपके पूरे शरीर को निरोगी बनाने का काम करेगा, यानी सिर से लेकर पैर तक आपकी सभी बीमारियों का इलाज करेगा। दोस्तों ये काढ़ा आपके शरीर की इम्यून पावर, रोगों से लड़ने की शक्ति को बहुत अधिक बढ़ा देगा। और दोस्तों यह तो भली भांति जानते हैं कि यदि आपके शरीर की रोगों से लड़ने की शक्ति हाई होगी तब आप बहुत तरह की बीमारियों से बचे रहेंगे, बहुत तरह की बीमारियां आपके आसपास नहीं आएंगी दोस्तों। और दोस्तों यदि आपको डायबिटीज की समस्या है तब भी दोस्तों ये काढ़ा आपके लिए एक वरदान है। ये आपके शुगर के लेवल को कंट्रोल करने का काम करेगा और इस डायबिटीज की बीमारी के जो भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं और आपको इन सब से भी बचाएगा। दोस्तों यदि आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत अधिक बढ़ा हुआ है और आप अपने शरीर के इस बढ़े हुए बैड कोलेस्ट्रॉल का इलाज करना चाहते हैं और बिल्कुल स्वस्थ बने रहना चाहते हैं तब भी दोस्तों इस काढ़े का आपने सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये काढ़ा आपके शरीर में बढ़े हुए बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करेगा और आपके शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाएगा। दोस्तों यदि आपको हार्ट में ब्लॉकेज है तब भी आपको इस काढ़े का सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये काढ़ा आपकी हार्ट ब्लॉकेज को खोलने का काम करेगा, क्योंकि ये आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को सही करेगा और जब आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल सही होगा तब आपको कोई भी हार्ट ब्लॉकेज नहीं होगी, और जब आपको हार्ट ब्लॉकेज नहीं होगी तब आपको दोस्तों हार्ट अटैक भी नहीं आएगा। यानी ये आपके हार्ट अटैक का भी इलाज करेगा, हार्ट ब्लॉकेज का भी इलाज करेगा और कोलेस्ट्रॉल का भी इलाज करेगा, आपके हार्ट को मजबूत बनाने का भी काम करेगा। दोस्तों यदि आप अपने मोटापे से परेशान हैं और इस पेट की चर्बी को कम करना चाहते हैं तब भी दोस्तों आपने इस काढ़े का सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये काढ़ा आपकी पेट की चर्बी को तेजी से कम करने का काम करेगा, आपको बिल्कुल स्लिम और फिट बना देगा। दोस्तों यदि आपको अस्थमा की समस्या है और आप अपनी अस्थमा की बीमारी का इलाज करना चाहते हैं तब भी दोस्तों ये काढ़ा आपके लिए एक वरदान की तरह काम करेगा और आपको इस बीमारी से हमेशा बचा कर रखेगा। दोस्तों क्या आपके पेट में कब्ज रहती है और या फिर आपको एसिडिटी की समस्या है या कोई अन्य पेट का आपको रोग है तब भी दोस्तों ये काढ़ा आपके लिए एक वरदान है, क्योंकि ये काढ़ा आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाने का काम करेगा। और दोस्तों जब आपका पाचन तंत्र मजबूत होगा तब ना तो आपको कब्ज की समस्या आएगी और ना ही एसिडिटी की समस्या होगी और ना ही आपको पेट से जुड़ा कोई भी अन्य रोग होगा, यानी ये आपके पेट के सभी रोग जैसे कब्ज, गैस और एसिडिटी का भी इलाज करेगा। और दोस्तों हमारे पेट के ये रोग, कब्ज, गैस और एसिडिटी हमारे शरीर के 72 बीमारियों का कारण बनते हैं, यानी ये काढ़ा आपके शरीर की 72 बीमारियों को दूर करने का काम करेगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि आपने इस काढ़े को बनाना कैसे है जो आपके लिए इतना अधिक चमत्कारी है। दोस्तों इस काढ़े को बनाने के लिए आपने क्या करना है, एक बर्तन को आग पर रख देना है जैसे कि ये हमने रख दिया। अब आपने इसमें 2 गिलास पानी डाल देना है जैसे कि हम इसमें 2 गिलास पानी डाल रहे हैं। अब आपने इसमें डालनी है दोस्तों तुलसी के पत्ते 3 से 4। और दोस्तों तुलसी के फायदे तो आप जानते ही हैं। दोस्तों तुलसी एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी से भरपूर होती है। तुलसी का पौधा एक ऐसा पौधा है जो हर घर के आंगन में पाया जाता है। सर्दी हो या जुकाम, घर के बड़े बुजुर्ग बस यही कहते हैं कि तुलसी वाली चाय बनाकर पी लो। तुलसी में बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं जैसे टीनिन, लिनोलेनिक अमल, ग्लाइकोसाइड। इसके अलावा भी दोस्तों तुलसी के बहुत सारे फायदे हैं। अब आपने जो दूसरी इसमें सामग्री डालनी है वो डालनी है दोस्तों दालचीनी, और दालचीनी डालनी है आपने 1 चुटकी जैसे कि ये हम डाल रहे हैं। दोस्तों दालचीनी यानी सिनामोन हमारी रसोई में पाए जाने वाला सर्वश्रेष्ठ मसाला है जिसकी थोड़ी सी मात्रा हमारे खाने का स्वाद बढ़ा देती है। इसके अलावा भी दोस्तों दालचीनी हमें बहुत तरह की बीमारियों से बचाती है। दालचीनी में कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट
पॉलीफिनोल, मैग्नीज, आयरन और फाइबर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर को बहुत तरह की बीमारियों से बचाते हैं। जो तीसरी आपने इसमें सामग्री डालनी है वो डालनी है दोस्तों काली मिर्च, और काली मिर्च डालनी है आपने दो, जैसे कि ये हम काली मिर्च में दो डाल रहे हैं। दोस्तों काली मिर्च एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर और सर्दी खांसी दूर करने में सहायक है। किंग ऑफ स्पाइस या ब्लैक पेपर नाम से प्रचलित काली मिर्च भोजन में इस्तेमाल किए जाने वाला मसाले का एक अहम हिस्सा है। काली मिर्च हमारे भोजन का स्वाद ही नहीं बढ़ाती बल्कि हमारे शरीर को बहुत तरह की बीमारियों से भी बचाती है। दोस्तों जो अगली इसमें सामग्री आपने डालनी है वो डालना है दोस्तों अदरक, और अदरक का डालना है आपने एक छोटा टुकड़ा। दोस्तों अदरक सर्दी खांसी और श्वास संबंधी रोगों में एक बेहतर एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। दोस्तों अदरक को अधिकतर मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें मौजूद एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी बॉडी को हेल्दी रखने में मदद करती है। और दोस्तों दुनिया भर में जितनी भी हर्बल दवाइयां बनती हैं उनमें अदरक का प्रयोग बहुत अधिक किया जाता है। और जो अगली इसमें सामग्री है वो है दोस्तों मुनक्का, और मुनक्का डालनी है आपने 4 से 5, जैसे कि ये हम डाल रहे हैं। दोस्तों मुनक्का या दाख न केवल कई बीमारियों को दूर करता है बल्कि आपके शरीर की रोगों से लड़ने की शक्ति को भी बढ़ाता है, इसलिए आयुर्वेद में इसे औषधीय गुणों का भंडार कहा जाता है। दोस्तों मुनक्का में फाइबर, फाइटो न्यूट्रिशन, सेलेनियम, विटामिन ई जैसे एंटीऑक्सीडेंट और कैल्शियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ये सभी डालकर आपने अच्छी तरह से इसको उबालना है। और जो अगली इसमें सामग्री वो हम यूज कर रहे हैं दोस्तों आपके स्वाद के लिए, वो कैसे? दोस्तों इसमें हम अगली सामग्री गुड़ या नींबू में से आपने एक डालनी है। दोस्तों यदि आपको डायबिटीज की बीमारी है तब आप नींबू का ही प्रयोग करें, लेकिन यदि आपको डायबिटीज की बीमारी नहीं है तब आप इसमें गुड़ या नींबू दोनों में से कोई भी एक चीज डाल सकते हैं। और अगर आप नींबू डालें तब इसको आग से उतारकर छानने के बाद ही डालें, और अगर आपने गुड़ डालना है तब आग के ऊपर ही आप इसमें डाल सकते हैं उबलते हुए। अब ये दोनों में से एक चीज डालने के बाद आपने इस काढ़े को तब तक उबालना है जब तक आपका काढ़ा उबल उबल कर आधा न रह जाए। और ध्यान रखना है कि नींबू अगर डालना चाहे तो वो आग से नीचे उतार कर ही डालना, यानी कि जब आप काढ़े को बनाकर रेडी कर ले। अब आपने इस काढ़े को छान लिया और अब आपने इसका सेवन करना है। और दोस्तों आपने इसका सेवन करना है हर रोज सुबह बासी मुंह, हर रोज सुबह खाली पेट। और दोस्तों यदि आप ऐसा करेंगे तब आप दोस्तों आपको मोटापे की समस्या नहीं होगी, अस्थमा की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी, सर्दी खांसी का अचूक इलाज है, दोस्तों आपकी अनिद्रा की बीमारी का भी इलाज करेगा, और ये अनिद्रा भी हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियों का कारण बनती है। दोस्तों आपके शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, हार्ट अटैक का इलाज करेगा, हार्ट ब्लॉकेज को खोल देगा, कोलेस्ट्रॉल को सही करेगा, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने का काम करेगा, कब्ज और एसिडिटी जैसी बीमारियों का इलाज करेगा, डायबिटीज को सही करेगा, आपके पाचन तंत्र को मजबूत करने का काम करेगा, आपको पेट के रोगों से बचाएगा। तो दोस्तों देर किस बात की है, आप भी आज ही अपने घर पर इस काढ़े को बनाएं और इस काढ़े का प्रयोग करें और फिर देखें चमत्कार कि कैसे आपका पूरा शरीर बिल्कुल निरोगी बन जाएगा। तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। धन्यवाद दोस्तों।